वेलकम गाइस आईटी ऊपर वीडियो में वीवो का फ़ोन। इसमें अगर आप कॉन्फ़िगरेशन चेक करना चाहते हैं तो आप कैसे चेक करेंगे ये मैं बता देता हूँ। बहुत इजी है, सेम तरह से प्रोसेस करेंगे तो आप इजीली जो है कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेंगे। ठीक है, तो जो स्टेप मैं बता रहा हूँ वो सेम फ़ोन को करना है तो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन ईजिली जो है चेक कर लेंगे। वीवो का फ़ोन है, फ्रंट में जो है इसका रियर कैमरा दे रखा है नॉच में। तो हम सेटिंग के अंदर जाएंगे, यहाँ पर ये सेटिंग का ऑप्शन आ गया। ठीक है, आपको स्लाइड करके नीचे आना है। यहाँ पे लास्ट में आपको अबाउट का ऑप्शन शो होगा। और टाइम लगेगा क्या? अभी हो गया। इस वाले ऑप्शन पे टच करना तो यहाँ पे आपको देखो इसका प्रोसेसर दिखा देगा। इसका 2.3 GHz ऑक्टा कोर का प्रोसेसर लगा और 2 GB रैम दे रखी है। 32 GB इसके अंदर इंटरनल स्टोरेज दी गई है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाएंगे आप तो यहाँ पे जो है आपको कलर वर्जन मिल जाएगा, मॉडल नंबर, सीरियल नंबर और इसका बिल्ड नंबर पे आप टच करेंगे तो इसका डेवलपर ऑप्शन अनेबल हो जाएगा। आपको 3 टाइम इस पर प्रेस करना है और इसका डेवलपर ऑप्शन जो है अनेबल हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेसिंग हो गई। अब हम इसकी कैमरे की टेस्टिंग चेक कर लेते हैं। इसकी फुल ब्राइटनेस कर देंगे। तो ये देखें इसकी फुल ब्राइटनेस पे कैमरे की क्वालिटी। ये हम जूम करते हैं तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। फ्रंट कैमरा चेक करेंगे, फ्रंट कैमरे पे भी जूम इन जूम आउट का ऑप्शन दे रखा है। वैसे नॉर्मली आता नहीं है जूम इन जूम आउट का, तो आपको फ्रंट में भी कैमरे का ऑप्शन मिल जाता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।